एक रात जब श्री कृष्ण सो रहे थे तो उनकी रानियों ने सुना कि श्री कृष्ण सोते हुए राधा का नाम ले रहे हैं। रानियों ने अपने सेवकों द्वारा पता लगाया कि राधा वृंदावन गोलोक में रहती है। तब सभी रानियां राधा से मिलने के लिए निकल पड़ी। जब सभी रानी गोलोक पहुंची तो उन्हें पहले द्वार पर एक स्त्री मिली। वो स्त्री दिखने में काफी सुंदर थी। रानियों को लगा कि वो श्री राधा है, लेकिन जब उन्होंने उससे बात की तो पता चला कि वो तो मात्र एक सेविका है। उसे देख रानियां सोचने लगी कि जब सेविका इतनी सुंदर है तो स्वयं राधा रानी कितनी सुंदर होगी। किंतु जब वो राधा रानी से मिली तो ये क्या, राधा रानी तो एक कुरूप कन्या है जिसके पूरे बदन पर छाले पड़ रहे हैं। जब सभी रानियों ने राधा से पूछा कि यह सब कैसे हुआ तो राधा ने बताया कि कल रात आपने मेरा नाम सुन के ईर्ष्या में भोले श्री कृष्ण को गर्म दूध दे दिया। आप सब तो चली गई, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे अपने हृदय से लगा लिया और उसी घाव के ये छाले हैं। तब रानियों को अपनी भूल का एहसास हुआ और ये श्री कृष्ण की ही एक लीला थी।